तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैक है अपने सबसे पहले गेम की वीडियो की। जैसे कि आपने टाइम टेबल में देखा ही होगा, मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल बनाया। तो फिर जैसे ही आज मैंने देखा इवेंट को जिसका नाम है फ्रेंड रेफरल, छह वो इंक्यूबेटर का कौन देखने वाला, वो तो आता ही रहता है। तो फिर फ्रेंड रेफरल की इवेंट कैसे कंप्लीट करने की, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने जैसे ही लॉगिन किया, आपको फ्रेंड रेफरल की इवेंट देखने मिली होगी। रुको, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो आप वीडियो देखकर भाग जाते हो यार। पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, ठीक है, मुझे पता है आप कर दोगे। तो फिर अपने वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो फिर अभी सबसे पहले तो हम लोग को उस इवेंट को देखते हैं। तो फिर वो इवेंट आ चुकी है और फ्रेंड रेफरल आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी इधर मैं गो टू करता हूँ। फिर गो टू करने के बाद अभी मुझे अलग सा इंटरफेस दिखा रहा है। आपको उधर क्या करना था कि आपको कोई तो एक UID डालनी थी। तो फिर आपको एक UID डालनी थी। फिर आप कौन सी UID डालनी है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो फिर आपको सबसे पहले एक गेस्ट अकाउंट बनाना था या फिर कोई फ्रेंड का अकाउंट जो कि लेवल 5 से कम हो। तो फिर आपको उस अकाउंट की जो UID है वो आपको इधर टाइप करनी है। और आप जैसे ही उस UID को टाइप करोगे, आपको वहाँ पर सेंड का बटन क्लिक कर देना है। तो फिर सेंड का बटन क्लिक करने के बाद, अरे यार, मैंने अभी देखा कि ये जो स्कारल की जो स्किन है वो बस 14 दिनों के लिए, मुझे लगा ये परमानेंट मिलने वाली है। तो फिर जैसे ही मैंने वहाँ पर क्लिक किया, तो फिर मुझे देखने मिला कि वहाँ पर मेरे जो अकाउंट है न्यूबी अकाउंट, उसमें रिक्वेस्ट सेंड हो गई है। तो फिर मैंने अपना न्यूबी अकाउंट जैसे ही खोला, वहाँ पर मुझे कुछ देखने नहीं मिला, मतलब इवेंट का पेज ही नहीं लोड हुआ। तो मुझे भी पता है आप में से भी बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम हुआ होगा और आपने यूट्यूब पर वीडियो देखकर सोल्यूशन भी निकाला होगा, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो कल ही बना दी थी। पर मैंने इसकी वीडियो कल ही शूट कर दी थी पर मुझे अपलोड करने नहीं मिला, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे थे मेरे वीडियो के साथ। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने किया भी होगा और किसी ने नहीं भी किया होगा। तो फिर उसका हल यही है कि आपको जो अकाउंट है उसको 2-3 घंटे के बाद ओपन करना, फिर आपको देखने मिलेगी वो इवेंट, क्योंकि अपनी आईडी अपने नहीं की है। तो फिर आपको उसी तरह से करना है और फिर आपको उसमें आपको एक एक लेवल बढ़ाते जाना है। जैसे ही आप लेवल 2 पे पहुँचोगे, आपको ये वाली स्किन परमानेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बस 14 दिनों के लिए मिलेगी। पहले मैं भी खुश हो गया था कि ये वाली स्किन मुझे परमानेंट मिलेगी, पर नहीं, ये तो परमानेंट मिलेगी ही नहीं। पर जो न्यूबी वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि उसको पांडा बैट देखने मिलेगा फ्री में। वैसे तो मेरे पास है, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हो, आपके पास भी होगा मुझे पता है, पर तो भी उसको तो फ्री में पांडा पैड भी देखने मिलेगा। हम लोग के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, पर क्या पता अभी गरीना को क्या हो गया, उसका लॉस जो हुआ है जिसके वजह से वो अभी ये सब फ्री में दे जा रहा है। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही था, आज के नहीं अभी के वीडियो में, क्योंकि मैं अभी और भी वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।